friends, welcome to Jump to School tutorials. Today we will learn chapter 11 of science, class 10th, Human Eye and Colourful World. What is a human eye? Human eye is a organ through which you can see different objects. Human eye is treated as an optical instrument which provides you to see the different objects which are in front of you. Light rays coming from the object to be seen enter the eyes through cornea and fall on the eye lens to the pupil of the eye. So यहाँ पे क्या होता है कि जब जो light rays होती है वो हमारी आँखों पे cornea पे पड़ती है. Cornea से होके वो हमारे lens पे जाती है, eye lens पे. Eye lens पे जाने के बाद वो हमारे retina पे जाती है, जो कि एक image form करता है, जो कि हमारी real inverted और small image होती है. जो हमारा आई लेंस होता है वो डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कि रियल इन्वर्टेड और स्मॉलर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाता है. तो रेटिना जो होता है वो न्यूमरस मतलब लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कंटेन करता है, विच आर एक्टिवेटेड बाय द लाइट फॉलिंग ऑन द रेटिना एंड जनरेट अ इलेक्ट्रिक सिग्नल. मतलब कि उस पर लाइट जब फॉल होती है या उस पर लाइट जब पड़ती है तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करता है, जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास भेजे जाते हैं एंड ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और उस ऑब्जेक्ट को आपको शो करता है कि उसकी हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब आपको दिखता है. हम देखते हैं ह्यूमन आई के पार्ट्स. कॉर्निया. कॉर्निया हमारा जो आई की जो फर्स्ट मोस्ट कवरिंग होती है उसे कॉर्निया बोलते हैं. द ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई. जो आयरिस होती है वो हमारा कलर डायफ्राम होता है, जो कि बिटवीन कॉर्निया और लेंस के होता है. जो हम आपने देखा होगा आंखों के साइड में, अगर आप देखें आई तो आंखों के साइड में एक परत सी होती है जिसको हम जो कलर डायफ्राम होती है. प्यूपिल. प्यूपिल इज अ स्मॉल होल इन द आयरिस. पिपिल जो होता है आपने अपनी आंखों में कभी कांच में देखिएगा तो आपको एक छोटा सा ब्लैक कलर का होल, वैसे तो होल ही होता है, एक छोटा सा ब्लैक कलर का सर्कल दिखेगा, उसे हम प्यूपिल कहते हैं. आई लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट लेंस मेड ऑफ जेली लाइक मटेरियल. आई लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि जेली लाइक होता है और जो कि कॉन्वेक्स होता है. सिलियरी मसल्स. सिलियरी मसल्स वो होती है जो उस लेंस को होल्ड करके रखती है एक पोजीशन पे. रेटिना. रेटिना एक बैक सरफेस होता है आई में, जो कि आपकी जहां पर आपकी इमेज फॉर्म होती है या आपकी लाइट फॉल होती है. अब हम इसके देखते हैं फंक्शंस. कॉर्निया का फंक्शन ये है कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, बेंड इट एज इट एंटर्स द आई. ये एक रिफ्रैक्टिव मीडियम की तरह काम करता है, जो कि पैरेलल लाइट्स जो हमारे आंखों पे पड़ती है उन्हें बेंड करने का काम करता है. आयरिस. आयरिस जो है वो हमारा द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग इन आर आईज को कंट्रोल करता है, कितने अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आंखों में गिरेगी. अगर आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप धूप में से आते हैं तो आपकी जो बीच में जो सर्कल होता है ब्लैक कलर का वो बहुत ही छोटा हो जाता है, क्योंकि आप जब धूप में से आ रहे हैं तो आपके आंखों में बहुत ज़्यादा लाइट जाएगी तो आपको इरिटेशन होगी, इसी वजह से वो जो ब्लैक सर्कल होता है वो छोटा हो जाता है. और आप जब अंधेरे में होंगे तो वही सर्कल बड़ा हो जाएगा ताकि आपके आंखों में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जाए. सो लेंस जो होता है वो हमारा लाइट को फोकस करता है रेटिना पे. रेटिना जो है वो इज अ लाइनिंग ऑफ अ ब्लैक एट द बैक ऑफ द आई कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स कॉल्ड सेल्स एंड रॉड्स एंड कोन्स. जो रॉड्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट के लिए और ब्लैक एंड वाइट के लिए, और जो कोन्स होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कलर्स के लिए. सो रेटिना में रॉड्स और कोन्स आपकी एक कलरफुल इमेज फॉर्म करते हैं. ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व जो है हमारी जो ब्रेन इम्पल्स है, मतलब जो लाइट बनी है जिसकी वजह से जो आई ने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस किए हैं उसे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है. सो ये थे हमारे आई के पार्ट्स के फंक्शंस. हम देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट जो होता है वो पॉइंट होता है जहां पे हमारी कोई इमेज नहीं बनती है और
उस पॉइंट पे जो भी इमेज बन रही है वो ब्रेन के पास नहीं भेज जाती, सो वो जो है वो प्रोसेस नहीं होती। जो एक्वस ह्यूमर होता है वो हमारा एक क्लियर लिक्विड रीजन होता है बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, जो कि ये वाला रीजन होता है। अब जो विट्रस ह्यूमर होता है वो होता है हमारा एक लिक्विड फील्ड स्पेस जो कि विट्रस ह्यूमर का भरा हुआ होता है, और वो लेंस और रेटिना के बीच में होता है, जो कि हमारा ये वाला स्पेस। नाउ कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस तब होती है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखने पर उसके कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते या डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो कौन सा कलर है, क्या है, किस कलर का है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, कुछ नहीं, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो वो जो फेनोमेनन होता है वो कलर ब्लाइंडनेस होती है। नाउ पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो हमारी आई है उसकी बहुत अच्छी पावर है कि वो आपके पास और दूर के ऑब्जेक्ट के बीच में फोकस कर पाती है। सो ये आपकी आई की एबिलिटी होती है टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ को एडजस्ट करके आपके पास और दूर के ऑब्जेक्ट को दिखाता है। सो इसे कहते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन। द एकोमोडेशन ऑफ द आई और द एबिलिटी ऑफ द सिलियरी मसल्स टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। सो फार पॉइंट ऑफ द व्यू, अगर आपने देखा होगा आप जब आसमान रात को आसमान में देखते हैं तो आपको चांद दिखते हैं, तारे दिखते हैं, चांद दिखता है, तारे दिखते हैं, तो उनमें उनकी आपको डिस्टेंस नहीं पता, सो वो आप मान के चलते कि इन्फिनिटी पे है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो इट इज द फार्देस्ट पॉइंट एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। तो फार पॉइंट व्यू क्या हुआ आपका, एक तरीके से इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि आप अगर चांद तारे देख सकते हैं मीन्स वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, तो आपकी जो फार पॉइंट ऑफ द आई हो गया वो इन्फिनिटी हो गया। और नियर पॉइंट ऑफ द आई कि आप आई से कितनी मिनिमम दूरी पे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं कि आपको क्लियरली दिखे, सो वो जनरली होता है 25 सेंटीमीटर। इट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। अ नॉर्मल आई द नियर पॉइंट लाइज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसे हम डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। नाउ हम देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। जो हमारी आंखों में आपने अपने घर में बड़े लोगों में आपने नोटिस किया होगा कि कई बार उन्हें पास का नहीं दिखता या दूर का नहीं दिखता, सो उनके डिफेक्ट्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जो मायोपिया होता है वो शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब आपको पास का दिख रहा है पर आप जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें प्रॉपरली देख नहीं पाते। अब इसका एक बेसिक कॉज क्या होता है कि जो आपकी आईबॉल है, इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द आईबॉल एज इफ डिस्टेंस ऑफ द रेटिना फ्रॉम द आई इज इंक्रीज। जो रेटिना और आई लेंस का डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आपकी आईबॉल का साइज इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से डिक्रीज इन फोकल लेंथ होता है, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस व्हेन द आई इज फुली रिलैक्स्ड। मीन जब आई बड़ी होती है, रिलैक्स होती है, तो जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। सो इसके लिए हम क्या सॉल्यूशन या रेमेडी है, वो है कि फॉर द मायोपिक आई वी कैन वियर स्पेक्टेकल्स विद अ कॉनकेव लेंस ऑफ अ सुटेबल फोकल लेंथ। जो आप जब किसी आई डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कंसल्ट करेंगे कि आप एक कॉनकेव लेंस वाला स्पेक्टेकल लें ताकि आपको पास के ऑब्जेक्ट तो दिख ही रहे, दूर के ऑब्जेक्ट भी दिखे। सो ये हमारा मायोपिया। आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पे कि ये मायोपिक आई है जिसमें कि पैरेलल लाइट आने पर वो रेटिना के पहले ही फोकस हो गई, जो उसका फोकल पॉइंट है वो उसके पहले ही फोकस हो गई और वो रेटिना तक पहुंची नहीं, तो इसकी वजह से आपको वो जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है वो ब्लर्ड दिखते हैं। सो इसके लिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। कॉनकेव लेंस यूज करने से, एक प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस यूज करने से जो आपकी लेंस फोकस करेगा वो आपका रेटिना पे करेगा। ओके, नाउ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया वो डिफेक्ट होता है जिसमें आपको पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखते हैं। बच्चे हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में कंफ्यूज हो जाते हैं कि
कौन सा पास के लिए एंड कौन सा दूर के लिए। सो उसे याद करने के लिए आप हाइपरमेट्रोपिया को याद करें कि हाइपर मीन्स ज़्यादा या बड़ा या लंबा। सो आपको दूर का दिख रहा है एंड पास का नहीं दिख रहा, तो इसका उल्टा आप मायोपिया में याद कर सकते हैं। सो अब इसके कॉजेज देखते हैं। कॉजेज है डिक्रीज इन लेंथ ऑफ आईबॉल एज इफ द डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम द आई हैज डिक्रीज, एंड सेकेंड डिक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस व्हेन द आई इज फुली रिलैक्स्ड। मतलब आपकी एक तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, दूसरा जो आईबॉल की लेंथ थी वो डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से रेटिना और लेंस के बीच में जो डिस्टेंस था वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। इसके लिए हमारी रेमेडी, रेमेडी क्या है कि आप ऐसे स्पेक्टिकल पहने जो कि कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो सूटेबल फोकल लेंथ के, जिसकी वजह से आपको प्रॉपरली दूर के ऑब्जेक्ट्स दिख सके। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, जो हमारी कॉन्वेक्स लेंस होती है उसकी फोकल लेंथ हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एक्स डी बाय एक्स माइनस डी, वेयर जो एक्स है वो हमारा डिस्टेंस है नियर पॉइंट ऑफ द डिफेक्टिव आई एंड डी इज द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। नॉर्मल आई का जो हमने डिस्टेंस डिस्टिंक्ट डिस्टेंस देखा था वो 25 था, एंड जो डिफेक्टिव आई है उसका नियर पॉइंट डिफेक्टिव डिस्टेंस जो जहां जिस डिस्टेंस पे हमें प्रॉपर क्लियरली दिख रहा है वो डिस्टेंस। सो आप इस फॉर्मूला के थ्रू फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। नाउ आप इस पिक में देखें तो यहाँ पे आईबॉल का साइज छोटा होने की वजह से फोकस और ज्यादा दूर हो रहा है, मींस यहाँ पर रेटिना पर वो फोकस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपको प्रॉपरली नहीं दिख पाता। सो कॉन्वेक्स लेंस यूज करने पर सुटेबल लेंथ का आप रेटिना पर फोकस कर पाते हैं लाइट को एंड उस ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख पाते हैं। नाउ प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया वो डिफेक्ट होता है जिसमें आप प्रॉपरली या कंफर्टेबली रीड एंड राइट नहीं कर पाते, मीन्स आपको ना पास का प्रॉपरली दिख पाता है ना दूर का प्रॉपरली दिख पाता है। अ पर्सन सफर्स फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, हिज स्पेक्टिकल्स हैव बाइफोकल लेंस बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। जब हम पास और दूर का दोनों नहीं देख पाते हैं तो हमें बाइफोकल लेंस यूज करने पड़ते हैं, जो कि बोथ कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे आप देखिए ये एक फार पॉइंट ऑफ द मायोपिका है, ओके, एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले ही फोकस हो रहा है मायोपिका आई में, पहले ही फोकस हो रहा है, तो हम एक कॉन्केव लेंस यूज करते हैं करेक्शन के लिए जो कि उसको प्रॉपर रेटिना पे फोकस करता है। एंड इन हाइपरमेट्रोपिया जो फोकस पॉइंट है वो रेटिना से भी पीछे है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जो कि रेटिना पे फोकस करता है। नाउ एस्टिगमेटिज्म, एस्टिगमेटिज्म वो डिफेक्ट होता है जिसमें एक अ पर्सन इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशंस, मींस वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल और मतलब हॉरिजॉन्टल लेन और वर्टिकल लेन नहीं देख पाता, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है या वर्टिकली प्लेस्ड है। सो इट कैन बी रेक्टिफाइड बाई यूजिंग अ सिलेंड्रिकल लेंस, एक सिलेंड्रिकल लेंस यूज करने पर आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको प्रॉपर आप पहचान सकते हैं कि वो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है या वर्टिकली। नाउ वी विल सी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ प्रिज्म इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, मीन्स जब एक रे ऑफ लाइट हमारे प्रिज्म में एंटर करती है, प्रिज्म आपने देखा होगा एक फाइव फेज 3D फिगर होता है जो कि जो उसकी टू साइड्स होती है वो ट्रायंगुलर होती है एंड जो थ्री साइड्स होती है वो रेक्टेंगुलर होती है। सो जब आप एक प्रिज्म में से लाइट पास करते हैं, बेटा आपको समझ में आएगा डायग्राम से, जब एक प्रिज्म में लाइट पास करते हैं तो ये इंसिडेंट रे है, ये रे आपकी नॉर्मल की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, क्यों, क्योंकि ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंस मीडियम है। सो ये आपकी नॉर्मल की तरह डिफ्लेक्ट होती है, सो ये यहाँ से इस मीडियम में जो डिफ्लेक्टेड एंगल है उस पर मूव करेगी एंड देन जब आपकी ये
फिर से डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल से अपोजिट साइड में डिफ्लेक्ट करेगी. सो ये नॉर्मल से इस एंगल पे एमर्जेंट रे इमिट हुई है. सो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हम इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करके जो एंगल यहाँ पे हमारा इमर्जेंट रे के साथ बनता है वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है. और यहाँ पे जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल होता है. सो ये होता है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म.